बिहार में लाया गया है, 12 अभी आ चुका है, कुल 25 आना है। इस महीने में बाकी बसें भी आ जाएंगी और उसका परिचालन प्रारंभ हो गया है, आगे भी सबका परिचालन प्रारंभ होगा। आप सबको मालूम है कि 2019 में ही आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक कार है, तब से ही लगातार जो उस समय आया था आप देख जानते ही हैं, उसी समय से लगातार हम लोग चल रहे हैं और कई माननीय मंत्री को और अधिकारियों को भी वही किया गया है इलेक्ट्रिक कार को, और उसी पर लोग जाते हैं इसी को प्रेरित करने के लिए। और जब मुझको पहली बार याद है जब पहली बार उस पर चले तो रास्ते भर कहीं से भी जाते थे सब लोग उसी पूर्वक देखने लगता था कि क्या है, एक छोटा सा जानते ही हैं कार जैसा है, तो हम लोग तो लगातार इस्तेमाल कर ही रहे। लेकिन उसके बाद अब बस का भी इस्तेमाल शुरू होगा, ये कितनी अच्छी बात है। इससे पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये बहुत अच्छी बात है, इसका किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता है और हर चीज़ इसमें इंतजाम किए हुए हैं, ऑटोमेटिक है हर चीज़, तो काफ़ी सुविधा होगी। और अभी तो इतनी संख्या में आ गया है, लेकिन ये चलेगा तो हम लोग तो और संख्या में यहाँ मंगवाएंगे, ताकि आप जानते हैं कि हम लोगों की जो इच्छा है और जल जीवन हरियाली अभियान चलाते हैं और आपको मालूम है पर्यावरण के संरक्षण के लिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसे व्हीकल्स चलेंगे तो काफ़ी लोगों को सहूलियत होगी। आप जानते हैं आबादी बढ़ रही है, बसों की संख्या बढ़ी है, रोड बहुत बनाया गया है, तो साथ साथ आप जान रहे हैं कि दुर्घटनाएँ भी होती हैं, तो उसके लिए भी सब कुछ इंतजाम किया जा रहा है। कैसे ट्रेनिंग दिया जाएगा उसके लिए, कहां पर किस तरह से बसें चल रही है उसकी जांच पड़ताल के लिए, उस सब के लिए भी संस्थान का भी निर्माण किया जा रहा है। और जो भी गाड़ियां चलाएंगे वो ट्रेंड ही होंगे ड्राइवर, तो इस सब के लिए भी इंतजाम किया जा रहा है कि अन्य जगहों पर भी इस सब की ट्रेनिंग हो जाए, वो ठीक ड्राइवर बने। तो आज ज़्यादा बसें मतलब व्हीकल्स होने के कारण और उसके साथ साथ अगर उसकी पूरी ट्रेनिंग नहीं है तो आप जानते हैं दुर्घटनाएं होती हैं। तो जितना भी सड़कों का निर्माण हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स बढ़े हैं तो उसी में और दुर्घटना बढ़ी है, तो उसी को नियंत्रित करने के लिए भी परिवहन विभाग ने पूरे तौर पर प्रयास किया है और ये सब कर रहे हैं। और आपको मालूम है इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी एक निर्णय हुआ और यहाँ पर भी उसके बारे में पूरी बात हुई है, और उसको लेकर के जो हम लोगों ने भी यहाँ कमेटी बनाई और एक एक चीज़ के लिए पिछले 2 वर्ष पहले से ही सब नियमों का पथ को बनाया है और उस हिसाब से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी दिशा में लोगों को प्रभावित करने के लिए इस चीज़ एक आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बस का भी चलाया जाएगा। और अभी इन लोगों की इच्छा है, हम तो जानते ही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बस का आज से शुरुआत हो रहा है, तो इसी पर हम लोग बैठ करके सब दोनों मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री सब लोग जाएंगे, अभी हाउस तक जाएंगे। सर लंबी दूरी तक पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रहे हैं, उसमें कितना ये तो बहुत अच्छा ठीक कर रहे हैं, उससे भी और सुविधा होगी ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा तो लोगों का खर्च भी घटेगा, पर्यावरण का भी, और उसको तो जान ही रहे हैं, और उसके लिए जो खर्च बढ़ रहा है तो उसके लिए तो हम लोग आप जानते हैं कि हम लोग तो उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जब चलेगा निर्माण का काम शुरू होगा, उसके लिए आपको पता है कि उसके लिए भी काम करना शुरू कर दिया और उनका प्रस्ताव भी आ रहा है, सब चीज़ को हम लोग देखेंगे। ये एक तरफ खाली चीनी का निर्माण होगा, उसके अलावा इस सब चीज़ का निर्माण भी हो जाएगा जिससे कि पेट्रोल में ही 20% उसको डाला जा सकता है, उसके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं, एक अलग बात है। लेकिन ये बात सही है, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा तो इससे बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, इससे एक्सीडेंट भी कम होगा, पर्यावरण का संकट भी कम होगा। सर वो लंबी दूरी तक का कब बस चलना शुरू होगा? नहीं, अभी तो लोग ले जा रहे हैं, अभी तो चलाएंगे, अभी तो चला रहे हैं। और हम लोगों का चूंकि छोटा वाला व्हीकल है तो वो 100 किलोमीटर तक हम गए, लेकिन अभी उसका और ज़्यादा कर रहे हैं लोग,
और बेहतर करेंगे तो और खूब लंबी दूरी तक जाने के लिए, और सबको तो लंबी दूरी तक जाने में तो सर आम लोगों की पहुँच से सर दूर होती है, सर आम लोगों से पहुँच से दूर होती है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सर काफी महंगी होती है, उसके लिए भी सब्सिडी का कुछ ऐसा हम सब तो हम लोग चाहते ही अपने शुरुआत कर रहे हैं। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब लोगों का तुरंत इतने ही से खत्म हो जाएगा, लेकिन एक शुरुआत तो हो रही है ना। सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों के लिए शुरुआत कर रहे हैं कि बेहतर स्थिति हो, देखें और इसको भीतर देखें हैं तो कितना ज़्यादा ऑटोमेटिकली एक एक चीज़ का परिचालन, और जो गाड़ी चलाने वाले हैं और गाड़ी को मेंटेन करने वाले हैं सब ट्रेंड, तो इस तरह से अगर ट्रेंड रहेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना घटेगी। सर किराया कम होगा सर।